खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ का पवित्र महीना सावन चल रहा है। और इस बार 98 साल के बाद सावन के महीने में एक ऐसा अद्भुत महासंयोग बन रहा है, जिससे 6 राशियों की किस्मत में एकदम से चमत्कारिक बदलाव होने वाला है। 6 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि 98 साल के इतिहास के बाद सबसे पहले तो सावन 2 महीनों का होने जा रहा है। इस बार अधिक मास होने के कारण सावन 1 की बजाय 2 महीनों का होगा। और साथ ही सावन के अधिक मास में 2 ऐसे महासंयोग बन रहे हैं, जिससे 6 राशि वाले लोगों के विवाह का योग बनेगा और साथ ही उनको कर्ज से छुटकारा मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुल मिलाकर बहुत ही बड़ा चमत्कारिक बदलाव होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी 6 भाग्यशाली राशियों की तरफ। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही ज्यादा पवित्र महीना माना जाता है। सावन महीने में विधि विधान से भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना की जाती है और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती है। इस बार सावन में जो विशेष महासंयोग बन रहा है, सबसे पहले तो मित्रों सावन के महीने में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, दूसरा गज केसरी राजयोग बन रहा है, तीसरा स्वार्थ सिद्धि योग और दोस्तों धन वृद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। तो चलिए इससे सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना, वो आती है तुला राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। दोस्तों तुला राशि वाले लोगों के ऊपर इस साल भगवान भोले भंडारी भगवान शिव की विशेष रूप से कृपा रहने वाली है। सावन के अधिक मास के दौरान करियर और कारोबार दोनों में ही आपको लाभ के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। आपको पैतृक संपत्ति की खरीद और बिक्री से बहुत ही अच्छा लाभ भी मिलेगा। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, उन लोगों को नौकरी में प्रमोशन मिलने के संकेत है। आपका पुराना किसी को भी दिया हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी शानदार सफलता हासिल होगी। उसके अलावा जिनकी भी तुला राशि है, जो बहुत दिनों से किसी अच्छी नौकरी या सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे ना, तो उन लोगों के लिए ये समय उत्तम रहेगा। और जो व्यक्ति अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, खुद का कारोबार करते हैं, उनको साल 2023 में बहुत ही अच्छी और शानदार सफलता मिलने वाली है। इस बार आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत अच्छा रहेगा। और जिनकी भी तुला राशि है, जो बहुत दिनों से कुंवारे थे, सिंगल थे, वो इस साल सावन के अधिक मास के अंतर्गत किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। आपका विवाह का योग भी निश्चित हो सकता है। चलिए जान लेते हैं दूसरी जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुँच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादा सफलता मिलेगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और उत्तम फलदायी रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की महाकुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर के बार बार टूट जाता है, संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मित्रों, सावन में अद्भुत महासंयोग बनने से, राजयोग बनने से दूसरी जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो आती है कुंभ राशि।
जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गू गे और गो से शुरू होता है उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों जिनकी भी कुंभ राशि है ना, सावन के अधिक मास के दौरान लक्ष्मी नारायण योग और गज केसरी योग के मद्देनजर कुंभ राशि वालों को अपनी सफलता की प्राप्ति होगी। आपको हर एक काम में मदद मिलेगी। अच्छा, जो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए है ना, उनके लिए अच्छी खबर आ सकती है। शिक्षा और प्रतियोगिता से जुड़े विद्यार्थियों के लिए भी सावन का जो दूसरा महीना है वो बहुत ही अच्छी खुशखबरी लाएगा। जो लोग अपने कार्य क्षेत्र में इतने दिनों से संघर्ष कर रहे थे ना, उनको शिव कृपा से अब माहौल अनुकूल मिलेगा और पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। बच्चों के साथ आप कहीं पर भी घूमने जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले लोगों के जीवन में बहुत दिनों से परेशानी चल रही थी, संकट चल रहा था, वो धीरे धीरे अब दूर होगा। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा से आपको दोस्तों आशीर्वाद मिलने वाला है। दोस्तों चाहे आप नौकरी करते हो या स्वयं का व्यापार करते हो, हर एक स्थिति में आपको अपने व्यापार में और अपनी नौकरी में दोनों में ही सफलता मिलेगी और इस साल आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा। साल के अंत तक आप कुछ पैसों की बचत भी कर पाएंगे। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना, वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ड और भे से शुरू होता है उनकी धनु राशि होती है। दोस्तों सावन के अधिक मास के दौरान धनु राशि वाले लोगों के ऊपर भगवान शिव की विशेष रूप से कृपा बनेगी। आपका आर्थिक रूप से सावन का यह दूसरा महीना बहुत ही अच्छा और शुभ साबित रहेगा। पूरे महीने धनु राशि वाले लोगों के ऊपर भगवान शिव शंकर की कृपा होगी। आपका वैवाहिक जीवन यानी कि मैरिड लाइफ अच्छी होगी और खुशनुमा रहेगी। सरकारी नौकरी के प्रयास करने वाले लोगों को इस साल सावन के महीने में कोई भी अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, तो वहीं बिजनेस करने वाले लोगों को भी व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलने के संकेत है। धनु राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होगा, किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और इस साल आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर आपके ऊपर कर्ज हो रखा है तो धीरे धीरे आप कर्ज से काफी ज्यादा हल्के हो पाओगे। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों मेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन या 15 दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कर आएगा और यही कटू सकती है। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना सावन के महीने में, वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मो मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिनकी भी सिंह राशि है, सावन का यह दूसरा जो अधिक मास का महीना है ना, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभदायक सिद्ध होगा। भाग्य का अच्छा साथ मिलने से सभी तरह की योजनाएं जल्द ही पूर्ण होगी। धन लाभ के अच्छे अवसर की प्राप्ति होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए यह पवित्र महीना बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहने वाला होगा। भाग्य का साथ अच्छा मिलने से आपकी सभी तरह की योजनाएं भी जल्द पूर्ण होगी और धन लाभ के अच्छे अवसर की प्राप्ति भी होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए यह पवित्र महीना और भी ज्यादा शानदार होगा। सिंह राशि वाले लोगों को नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। घर परिवार में आपका जो माहौल है वो अच्छा रहेगा।
कोई भी आपके मन में चिंता चल रही थी, तनाव चल रहा था, वो दूर होगा। प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन और वेतन में बढ़ोतरी के संकेत है। तो वहीं जो व्यापारी है, जो स्वयं का व्यापार करते हैं, उनके लिए भी मुनाफा होने से आप बिजनेस में कोई भी अच्छी योजना या बड़ी योजना पर काम कर सकते हैं। आपकी सभी तरह की जो इच्छाएं हैं वो भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होगी। चलिए जान लेते हैं मित्रों, अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो पा पी पू ठ पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। दोस्तों सावन के महीने में ये जो अधिक मास है ना, ये कन्या राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लक्की साबित होगा। भगवान शिव शंकर की कृपा से आप कोई भी नया काम या फिर नया बिजनेस वगैरह आरंभ कर सकते हैं। यदि आप नई सरकारी नौकरी खोज रहे थे तो उसमें भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपकी इनकम बढ़ेगी और धन लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। आपका काम धंधा आगे बढ़ता रहेगा और इस बीच आप कोई भी बड़ी व्यापारिक डील भी कर सकते हैं, जो आगे चलकर आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा दिलाएगी, आपको लाभ मिलेगा। ओके मित्रों, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।